हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोगों का काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रहा था और आप लोग इवेंट भी कर रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों का कॉल भी आ रहा था कि सर आखिर क्यों नहीं वीडियो आ रहा है। तो जो पहले से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो पहले से हैं जो वीडियो देखते आ रहे हैं, तो उनको मालूम होगा कि हाँ क्या रीज़न है कि वीडियो आप लोग का क्लास नहीं चल पा रहा था। बीच में क्लास आप लोग का चला फिर स्टॉप हो गया, ठीक है, वीडियो आना बंद हो गया। तो कुछ कारण था, रीज़न था कि हमें एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, उसके रीज़न से आप लोग का वीडियो नहीं आ पा रहा था, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप लोग का वीडियो भी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दें कि काफ़ी लोग जो कॉल कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं सर कि देखिए, आप लोग पहले से अगर जुड़े होंगे तो आप लोग का सिमुतला में हम नंबर दिए थे अपना पर्सनल नंबर, और अभी भी इधर हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे वीडियो में अपने नंबर दिए हुए हैं मैंने अपना पर्सनल, जो हमसे बात कर सकते हैं और जो भी समस्या होता है वो अपने समस्याओं का समाधान करा सकते हैं और कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो इसमें बात यह है कि आप लोग का वेटिंग लिस्ट जो है, सबसे पहले हम बता देना, ऑफलाइन आएगा ना ऑनलाइन आएगा, ठीक है। ऑफलाइन का मतलब क्या है और ऑनलाइन का मतलब क्या, आप जानते हैं वो नहीं, जो जानते हैं वो नहीं है, तो वीडियो में बनेगा, हम शुरू से अंत तक हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, वेटिंग लिस्ट जो है आपका वेबसाइट पर लोड नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट, जैसे आप लोग का जो नवोदय विद्यालय का जो वेबसाइट होता है उस पर अपलोड होता था और आप लोग जांच करते थे कुछ साल पहले, और अब क्या हो रहा है ना कि PDF के रूप में क्या बोलते हैं आता था कुछ चीज, माने कुछ साल पहले, ठीक है, कुछ साल पहले PDF में आता था। और उससे पहले क्या आता था, क्या बोलते थे, A4 जो सेंचुरी होते उस पर आपका नंबर, रोल नंबर और नाम, क्या रोल नंबर आता था, ठीक है, सबसे पहले जो पेपर में भी निकलता था 80 को सीट, उसमें ना रोल नंबर क्या रहता था आपका, उसके हिसाब से बच्चे जो है मिलाते थे अपना अपना, ठीक है, कि मेरा रोल नंबर इतना है, इसके हिसाब से पेपर में निकलता था। उसके बाद में गेट पर क्या होता था, सर दिया जाता था गेट पर रोल नंबर, सर लिख कर यानी कि प्रिंट कराकर हाथ से और सटा जाता था, ठीक है, जो कौन कौन बच्चे के सर, मैंने सब पहले का सिस्टम होता था। अब क्या आ गया, डिजिटल जमाना होने के कारण अब आप लोग अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो जांच कर लेते हैं, ठीक है, यू आर सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी हो लिखता है, ठीक है। और आप लोग का अब एडमिशन भी हो गया बहुत लोग का, यानी बहुत ना सबका हो चुका है। अब रहा जाने का बारी, ठीक है, जो जिनका रिजल्ट रुक गया है, नहीं हुआ है, तो मैसेज कर सकते हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं, मैंने हुआ है तो क्यों नहीं एडमिशन हुआ, हमें मालूम है अच्छा तरह से आप लोग का रिजल्ट हुआ है तो एडमिशन क्यों ना हुआ है, ठीक है। तो एडमिशन के दौरान में हमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ के हिसाब से हमें झेलना पड़ा है अभी, ठीक है। तो अगर आप लोग का अभी भी रुका है, एडमिशन नहीं हो पाया है, तो मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पर्सनल नंबर से बात कर सकते हैं, और होने का चांस 90% हम रखेंगे, ठीक है, कराने का। अब बात आता है कि काफ़ी लोग भी कॉल करें सर 10,000, 500, 20,000 में सिलेक्शन दिलवा रहे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए। तो सबसे पहले बता दें, सब बेकार है, ये सब कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब बेकार है, ठीक है। आप लोग का अगर अच्छा नंबर है और आया था और रहेगा, रहेगा का मतलब उतना कन्फर्म है, तो आप वेटिंग कर सकते हैं। और लेकिन ऑनलाइन तो आप लोड नहीं होगा, जाँच नहीं करेंगे। अब बात करते ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपके यहाँ, मतलब ऑफलाइन का मतलब PDF नहीं आएगा आपके यहाँ, PDF व्हाट्सएप पर जब कोई नहीं बताएंगे यूट्यूबर चैनल के माध्यम से कि PDF आ गया, आप जांच करें अपना नंबर, क्या बोलते सर्च, रोल नंबर डालकर सर्च करें, ठीक है। तो सर्च कराने में आप मत रहिए, ठीक है, आपका अगर सिलेक्शन हो रहा है तो आपके यहाँ डाक द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके कॉल लेटर आएगा, या तो नवोदय विद्यालय में जो आप नंबर दिए हैं, जिस ईमेल से आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल मैंने फॉर्म भराते वक्त दिया गया है, उससे आपका क्या होगा, उस पर आपका मैसेज आएगा, या मैसेज आएगा, उसी मैसेज से आप लोगों का सिलेक्शन करवाने के लिए जाना है वहाँ पर, ठीक है। तो अब बात है कि काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, क्या हर डिस्ट्रिक्ट के, हर जिला का, हर विद्यालय का वेटिंग लिस्ट आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन बात करें, आपको वहाँ पर जाके संपर्क कीजिए, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट के जाकर देख, कहीं पर एडमिशन हो गया होगा, देखिए सब विद्यालय का अपना अपना नियम रूल होता है, और नवोदय विद्यालय जो देश का प्रतिष्ठित विद्यालय है, बहुत अच्छे विद्यालय है, तो सब विद्यालय का अपना अपना नियम रूल होता है। बहुत जगह एडमिशन हो गया होगा, बहुत जगह कुछ कारण से बच्चों का एडमिशन रुक भी गया होगा, जहाँ हो गया होगा, जहाँ रुक भी गया होगा, जहाँ सीट खाली होगा, तो वहाँ पर तो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने जिला में, अपने प्रखंड से बच्चों को लेने का प्रयास करेगा वहाँ पर। तो आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं और आपका नज़दीकी है, वहाँ पर लगाव है, जुड़ाव है, तो जाइए एक बार, आपका अच्छा नंबर अगर आया है, ठीक है। अच्छा नंबर कौन, अच्छा नंबर देखिए, मेरे मानना है कि अगर
100 में 100 बच्चे का 80 क्वेश्चन की बात करते हैं, 80 क्वेश्चन में 80 79 78 77 तक हो चुका है, 76 तक के भी बच्चे का आया है तो 60 में हो चुका है। लेकिन अगर आपका 76 तक है, 75 प्लस में है, रिजल्ट नहीं हुआ है, तो संपर्क करिएगा जाके वहाँ पर कि सर वेटिंग लिस्ट कब तक आने वाली है, मेरे लड़का का इस कास्ट में आते हैं इतना नंबर है, थोड़ा वेट है, इंतजार है। और वो देखिए नंबर लेते हैं और फॉरवर्डिंग करते हैं तो उसमें आप लोग को हंसना नहीं है, और नंबर भी ले लीजिएगा टीचर लोग का, वहाँ पर जो आपसे जान पहचान हो जाए कि पूछते रहिएगा सर आएगा वेटिंग लिस्ट, तो बताइएगा कब तक स्टार्ट होने वाली है। तो हम बात करते हैं तो काफ़ी लोग अपने अनुमान से बता रहे हैं, पता नहीं एडमिशन के दौर में कभी जाते हैं कि ना जाते हैं, लेकिन अपने अनुमान से बता रहे हैं कि सर कि बच्चों जून में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा, मई के लास्ट में आ जाएगा। ये सब बेकार है। अभी जवाहर विद्यालय जो है ना, बच्चे चले गए हैं घर पर, अभी आया है क्लास 10 का रिजल्ट CBSE वाला, उसका अब मैंने एडमिशन जैसे होगा तो उन लोग का क्लास खुलेगा, ठीक है सब जगह। तो एडमिशन लमसम मई के लास्ट, मई चल रहा है, मई के लास्ट में उन लोग का मैंने फॉर्म फिलिप हो रहा है, मई जून के लास्टिंग तक एडमिशन हो जाएगा, यानी कि जुलाई में मैंने आप लोग का विद्यालय उन लोग का खुल जाएगा सबका, मैंने क्लास रेगुलर चलेगा। तो उस समय में देखिए जून के लास्ट, मई जो है ना बीत रहा है, जून में आप लोग का जाके 15 तारीख 10 तारीख जो भी है, जैसे मैंने आपका अगर जा रहे भेंट करे तो वहाँ पर भेंट हो जाएगा टीचर लोग से, शिक्षक लोग से, महोदय से। तो जुलाई में समझिए कि जुलाई में 1 से लेकर 10 या 15 तारीख तक सबका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट के भी एडमिशन सबका हो जाएगा। जुलाई में 15 तारीख तक सब बच्चे के एडमिशन फिक्स हो जाएगा। क्या सुने? ठीक सुने, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, बाकी जानकारी कैसे लगी ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम इतना जानते हैं ठीक है कि आप लोग बहुत होशियार है और बहुत इंटेलिजेंट है, आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करिएगा तो बहुत फायदा में रहिएगा, क्योंकि आपका मेहनत ही सबसे बड़का ताकत है, ठीक है, क्योंकि सिमुलतला का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, और बहुत जल्दी हम स्वस्थ होकर आप लोग के लिए ठीक है क्लास भी चलेगा और अप्लीकेशन भी चलेगा, और व्यस्त होने के कारण, अस्त व्यस्त होने के कारण पैर में चोट मैंने लग चुका है उसके कारण से हम, लेकिन अब ठीक हो ही आया है, बहुत जल्दी खड़े हो जाएंगे, अभी तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन जो मान लीजिए आधा घंटे एक घंटा खड़े होने की जगह पर आप लोग को नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में आदमी बैठे क्लास चला रहा है, लेकिन आप लोग के लिए बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। और चलिए बाकी जानकारी कैसी लगी, काफ़ी दिनों से आप लोग का बातचीत किए हुए हो गया था, तो सोचे कि आज थोड़ा सा आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ रखा जाए, ठीक है। तो बाकी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में अपना कमेंट राय जरूर रखिएगा। चलिए तब तक के लिए, नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।